Did it. Okay, the next is find an element. Define a procedure. Find element that takes as input as its input a list and a value of any type and outputs the index of the first element in the input list that matches the value. If there is no matching element, it outputs minus one. तो आपको एक procedure लिखना है find element के नाम से जिसको आप दो inputs देंगे. पहली input एक list होगी और दूसरी input कोई एक particular वैल्यू होगी. वो नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, राइट? और इस प्रोसीजर का काम ही होगा कि जो दूसरी वैल्यू आपने इसे बताई है इसको इस लिस्ट में तलाश करे, राइट? और इसकी लोकेशन रिटर्न करे. मिसाल के तौर पे जब आप तीन तलाश करेंगे एक दो तीन में तो ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? तीन इंडेक्स टू पे, तो जवाब टू आना चाहिए. और अगर आप मिसाल के तौर पर एक अल्फाबेटिक लिस्ट के अंदर गैमा तलाश करते हैं जबकि लिस्ट के अंदर गैमा मौजूद नहीं है, अल्फा और बीटा है, तो इस केस में चूंकि गैमा मौजूद नहीं है तो जवाब आना चाहिए माइनस वन, राइट? आई अगेन रिपीट व्हाट वी आर आस्क्ड टू डू कि आपको एक प्रोसीजर लिखना है फाइंड एलिमेंट के नाम से जिसको आप दो इनपुट्स देंगे, एक लिस्ट और एक वैल्यू. वो लिस्ट नंबर्स पे मुश्तमिल हो सकती है, उस केस में दूसरी वैल्यू भी नंबर ही होगी, या वो स्ट्रिंग्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है और उस केस में दूसरी वैल्यू भी स्ट्रिंग ही होगी. सो वो जो दूसरी वैल्यू उसके अंदर हमने दी हुई है, दूसरा पैरामीटर दिया हुआ है, उसको हमने लिस्ट के अंदर तलाश करना है. अगर वो मिल जाए तो जिस पहली लोकेशन पर हमें वो वैल्यू मिलेगी वो लोकेशन हम रिटर्न करेंगे, अगर और अगर नहीं मिलती वो वैल्यू तो हम माइनस वन रिटर्न करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू डू. सो वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ. सो वी डिफाइन अ प्रोसीजर. That is def and the name that we had given to it was find element. And it takes as input a string p and target t. So हमें p एक list इसको provide करनी है और एक target value देनी है जिसे हम तलाश करना चाहते हैं, राइट? और सपोज हम एक इंडेक्स वेरिएबल लेते हैं आई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ पी, जब तक ये उससे कम है, इफ पी एट आई इज इक्वल टू टी रिटर्न आई, राइट? एंड देन आई प्लस वन and return minus one. So if you closely look at this procedure जो हमने यहाँ पर define किया है, हमने करना क्या है कि पूरी list के ऊपर iterate करना है और उसके हर हर element को check करना है कि वो t के बराबर तो नहीं है. So हमने i is equal to zero while i is less than length of p, अगर उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट टी के बराबर है तो आई रिटर्न कर देंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर ऊपर जाके चेक करेंगे अगर आई अभी भी लेंथ से कम है तो फिर अगले एलिमेंट को चेक करेंगे वो टी के बराबर है. अगर टी के बराबर अगर हमें कहीं भी एलिमेंट मिल गया तो आई रिटर्न हो जाएगा. और अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब क्या होगा कि पूरी लूप चल गई, आपको टारगेट नहीं मिला तो आप वाइल लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न माइनस वन कर देंगे, राइट? सो माइनस वन सिर्फ उस केस में रिटर्न होगा जब वो आइटम लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लिस्ट में मिल चुका हुआ तो यहां से रिटर्न आई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके इस फंक्शन से हमें इस प्रोसीजर से बाहर ले जा चुकी होगी, राइट? सो इसको टेस्ट करके देखते हैं हम प्रोसीजर को, राइट? और इन्हीं सैंपल वैल्यूज के ऊपर कर लेते हैं. So we should get 2 here. Yes, we do get 2 here. And in this case, we should get a minus 1. Right? Just to check it further, agar hum kahein ki ji hum isme alpha dhoondte hain, we should get a 0 in this case because alpha is there and it is located at location 0 in this case. Right? Achha, ab yahi kaam jo aapne while loop ki madad se kiya hai, isi kaam ko aap अगर गौर से देखें तो फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं. लाइक इस आई सेड के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बीसियों तरीके हो सकते हैं, राइट? सो फॉर ई इन
टी, उस केस में आप यहाँ पे इफ ई इज इक्वल टू टी कर देंगे, बाकी फंक्शन वही रहेगा, बाकी प्रोसीजर में आपको तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले हमने जब फॉर लूप का इस्तेमाल किया था तो हमें इंडेक्स इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, आई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस केस में हमें करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आई जब हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली इंडेक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो इम्प्लिसिटली चेक करता जाता है कि लिस्ट में मजीद एलिमेंट मौजूद हैं तो वो उनको हैंडल करता जाता है, जबकि इस केस में हमें लोकेशन चाहिए, क्योंकि अगर हमें एलिमेंट मिल जाए तो हमने वो लोकेशन रिटर्न करनी है, लिहाजा हमें ये इंडेक्स वेरिएबल साथ मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो हम इसको फाइंड एलिमेंट टू कर देते हैं और इसकी मदद से भी इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। वी शुड गेट दिस वन एट ज़ीरो, दैट इज़ व्हाट वी गेट, एंड देन इफ वी सर्च गामा वी शुड नॉट बी एबल टू गेट इट, वी शुड गेट माइनस वन, and then if we use the numeric version we should get 2 in this case, right? So it works fine. So we have written this function, this procedure, using both while loop and a for loop. It is possible to do both ways, and even there are more ways to do it. Okay, then there is a particular method that is available with the list, is an index method. There are many other ways to define find element. Hum find element ko abhi humne while loop aur for loop se dekha, hum isko mazid tarikon se bhi kar sakte hain. A built-in list operation that we have not yet introduced that makes it easier to write find element is the index method, right? Aap list dot index aur uske andar value pass karke आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये किस इंडेक्स के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है वैल्यू, राइट। द इंडेक्स मेथड इज इन्वॉल्वड इनवोक्ड ऑन अ लिस्ट बाय पासिंग इन अ वैल्यू एंड द आउटपुट इज द फर्स्ट पोजीशन वेयर दैट वैल्यू सिट्स इन द लिस्ट। इफ द लिस्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी अकरेंस ऑफ द वैल्यू यू पास्ड इन, इंडेक्स प्रोड्यूसेस एन एरर, राइट। सो जब आप इंडेक्स मेथड को किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू तलाश करने को कहेंगे तो वो उस वैल्यू को उस लिस्ट में तलाश करेगा और जिस पहली लोकेशन पे वो वैल्यू मिल जाएगी वो लोकेशन रिटर्न कर देगा। हाँ, अगर वो वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद नहीं होगी तो एज अगेंस्ट द फाइंड मेथड माइनस वन रिटर्न नहीं करेगा बल्कि एरर रिटर्न करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइंड मेथड एंड द इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड हमें लोकेशन रिटर्न करता है अगर वो वैल्यू मिल जाए जिस पहली अकरेंस पे मिलती है, और अगर वो वैल्यू उसमें मौजूद नहीं है लिस्ट के अंदर तो वो हमें एरर रिटर्न करता है, माइनस वन रिटर्न नहीं करता। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये मिसालें देख सकते हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, लाइक आप एक लिस्ट डिफाइन करते हैं पी 012, राइट, एंड देन यू से दैट प्रिंट पी इंडेक्स 2। आपके ख्याल में क्या प्रिंट होना चाहिए? जी, ये 2 को तलाश करेगा इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर और जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। सो इंडेक्स 2 है 2 का, सो हमें 2 रिटर्न हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इफ यू ट्राई इट ऑन दिस वन, what will it return now? It will still return 2, although 2 occurs number of times here, index 3, index 4 पे भी है, लेकिन जब भी आप सर्च करते हैं तो जिस पहली लोकेशन पे हमें उसकी अकरेंस मिल जाती है वही लोकेशन हमें रिटर्न की जाती है, सो वी गेट 2 अगेन, राइट। और अगर हम लिस्ट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू तलाश करें जो मौजूद नहीं है तो हमें माइनस वन नहीं मिलेगा बल्कि वी विल रिसीव an error. So value 3 is not in the list but it is not returned as the return value as such. Aapko ye bata rahi hai description ke it is returned as an error. So we have to handle it ourselves. Okay. तो इस पोटेंशियली इरोनस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और छोटी सी फैसिलिटी अवेलेबल है विच इज़ वेरी यूजफुल, के बजाय इसके कि हम इंडेक्स मेथड को डायरेक्टली इस्तेमाल करके चेक करें कि वैल्यू उसमें मौजूद है और उसकी लोकेशन लें और वो ना मौजूद हो तो हमें एरर मिले, उस एरर को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम यूँ लिख सकते हैं वैल्यू इन लिस्ट, कि आप जो वैल्यू लिस्ट में तलाश करना चाहते हैं उसको यूं अगर लिखें, मिसाल के तौर पे अगर आप यूं लिखें प्रिंट 3 इन पी, आपने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन की हुई है
p012 और आप लिखते हैं print, sorry, हम लिखते हैं print 1 in p, right? So this in is a keyword. P is the name of the list and this is the value that we want to search. So instead of writing p.index1, we can write 1 in p. What this will do is कि ये हमें true या false return करेगा, यानी अगर 1 p में मौजूद है तो ये true return करेगा, वरना false return करेगा. So we get true. Similarly, if we check 3 in p, we receive false. So इन ऑपरेटर को इस्तेमाल करने से हमें ये सहूलत हासिल हो जाती है कि डायरेक्टली इंडेक्स मेथड इस्तेमाल करने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर उसमें, वो वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं. अगर वो वैल्यू मौजूद है तो फिर हम इंडेक्स मेथड को कॉल करेंगे, तो जाहिर है हमें यकीन होगा कि एरर नहीं आएगा, राइट? इसी तरह जैसे आपके पास ये 3 in p आप चेक कर सकते हैं, आपके पास इसका ऑपोजिट भी अवेलेबल है, 3 not in p. अगर आप not in p चेक करें तो आपको ट्रू मिला, राइट? यानी जैसे आप समथिंग इन समथिंग चेक कर सकते हैं, समथिंग नॉट इन समथिंग भी चेक कर सकते हैं. तो 3 चूंकि p में नहीं है तो not in p will return us true, राइट? एंड सिमिलरली अगर हम 1 not in p चेक करेंगे तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 p में मौजूद है, राइट? सो हमारे पास इन और नॉट इन दोनों ऑपरेटर्स मौजूद हैं. आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे मौजूद लिस्ट में चेक करके बताता है, अगर मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स बताता है. और सिमिलरली नॉट इन इन का बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है. सो ये दोनों ऑपरेशंस आपके पास मौजूद हैं, राइट? सो अब हमें एक छोटा सा काम ये करना है, डिफाइन फाइंड एलिमेंट, दिस टाइम यूजिंग इंडेक्स. कि आप इसी फाइंड एलिमेंट मेथड को डिफाइन करें, लेकिन इस बार आप इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करें. इंडेक्स मेथड का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, राइट? व्हाट वी डू इज वी सिंपली चेक इफ टी इन पी रिटर्न p dot index t, right? Else return minus 1. So it has become very simple. हमने लिखा कि अगर t p में मौजूद है तो return कर दें t का index. P जो है लिस्ट उसके अंदर जाइए और तलाश कीजिए कि T किस इंडेक्स पे मौजूद है, वो इंडेक्स रिटर्न कर दें. और अगर मौजूद नहीं है, एल्स के केस में माइनस वन रिटर्न कर दें, राइट? सो हमने इस मेथड को थोड़ा सा ट्वीक कर लिया. इसको हम चेक करके देखते हैं. सो 3 इज प्रेजेंट एट लोकेशन 2, सो वी गेट दैट, right? And similarly, if we see 4, we get minus 1, right? यही काम जो हमने यूं किया है, इसको हम यूं भी कर सकते हैं. If t not in p, तो return minus 1, else, so उस केस में simply opposite हो जाएगा. चूंकि in और not in opposite behave करते हैं, तो ये simply काम रिवर्स ऑर्डर में आप कर लेंगे एंड इट विल स्टिल वर्क फाइन. सो 4 इज नॉट देयर एंड 3 इज प्रेजेंट एट 2, राइट? सो हमने देखा कि हम फाइंड जो हमें ये काम करना था, सॉरी फाइंड एलिमेंट वाला, इसको हमने चार तरीकों से किया. इसे हमने सिंपल व्हाइल लूप से किया, फॉर लूप से किया, और फिर हमने इंडेक्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन और नॉट इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए भी इसी काम को कंप्लीट किया. Then we are asked to do to write a union method now. Define a procedure union that takes as input to input two lists. It should modify the first input list to be the set of the union of the two lists. हमें एक method define करना है, एक procedure लिखना है union के नाम से, जो input के तौर पे दो lists लेगा और
it should modify the first input list to be the set union of two lists. तो basically उसको करना ये है कि दोनों lists का union बनाना है. Set union आप जानते हैं कि set union वो होता है कि जिसमें दोनों sets के common elements जो हैं, दोनों sets के तमाम elements आते हैं और common element repeat नहीं होता, एक ही बार आता है, right? तो आपको करना ये है कि उस procedure के अंदर दो lists का यूनियन बनाना है. और यूनियन बनाने में एक बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपने पहली लिस्ट को मॉडिफाई करना है. ये नहीं कि एक तीसरी नई लिस्ट बन जाए, बल्कि आपको इन प्लेस पहली लिस्ट के अंदर ही दूसरी लिस्ट के वो तमाम एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं जो कि उनमें कॉमन नहीं है, राइट? सो वी हैव टू राइट दिस मैथड नाउ. सो वी डिफाइन दिस मैथड यूनियन. It takes as input two strings, two lists P and Q, right? For E in Q, Q में मौजूद हर element को आपने check करना है. If E not in P, P dot append E. That's it. That's a very simple method that we have written. So basically, आपने दो lists provide की. आपने पहली list के अंदर दूसरी list के वो तमाम element add कर देने हैं जो कि पहली list में पहले से मौजूद नहीं है. तो आपने क्या किया कि दूसरी list के एक एक element को check करना शुरू किया for element in Q. और फिर उसमें check क्या करना है कि Q का अगर वो element P में पहले से मौजूद नहीं है तो उसको P में append कर दें. फिर दोबारा जाएं ऊपर और चेक करें अगला एलिमेंट, क्यू का दूसरा एलिमेंट ले लें. चेक करें अगर क्यू का वो दूसरा एलिमेंट पी में मौजूद नहीं है तो उसको अपेंड कर दें पी के अंदर. सो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के हर हर एलिमेंट को आप चेक करेंगे और हर वो एलिमेंट जो पी में पहले से मौजूद नहीं होगा उसको आप पी के अंदर अपेंड करते जाएंगे. आप जानते हैं कि अपेंड मैथड एक ऐसा मैथड है जो कि नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता बल्कि एग्जिस्टिंग लिस्ट को म्यूटेट करता है. तो हम पी के अंदर चूंकि अपेंड कर रहे हैं तो पी म्यूटेट हो जाएगी, नई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी बल्कि एग्जिस्टिंग लिस्ट ही म्यूटेट हो जाएगी, राइट? इस मैथड को चेक करके देखते हैं वेदर वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट. सो we take two lists A as 1, 2, 3 and then B as 4, 5, 6 and then we take union of A and B, right? So A और B का हमने union लिया. अब हमें expected ये है कि A modify हो चुकी होगी, right? And yes, that is what the case is. 1, 2, 3. You see the union is 1, 2, 3, 4, 6, right? 2 चुके common था, तो 2 इसमें repeat नहीं हुआ. उसने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 2 को skip कर दिया, फिर 4 और 6 ले लिया. And that is what we expect from union. So this is how simply a procedure named union is written. कि आप Q के हर element को check करें, अगर वो P में नहीं है, तो उसको P में डालते जाएं. That's it. That's the only thing that you need to do to complete this union.